खबर बांदा जनपद से जहां नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष का बबेरुक नगर में प्रथम आगमन पर गाजे-बाजे के साथ फूलमाला पहनाकर मुंह मीठा कराते हुए जोरदार स्वागत किया गया। बबेरु विधायक सहित भाजपा के पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर पर पहुंचकर जिलाध्यक्ष ने माथा टेका, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरु कस्बे का है, जहां पर बांदा जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार पटेल को निर्विरोध चुना गया है, जिसमें नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अपने काफिले के साथ बबेरु कस्बे पर पहुंचे। बबेरु कस्बे में प्रथम आगमन पर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा गाजे-बाजे के साथ फूलमाला पहनाकर मुंह मीठा कराते हुए जोरदार स्वागत किया गया और जिला अध्यक्ष के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए कस्बे के प्रसिद्ध मां मरीदाई मंदिर पर पहुंचकर माथा टेका और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जाने पर जनपद वासियों व क्षेत्रीय लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बबेरु विधायक चंद्रपाल कुशवाहा, अजय सिंह पटेल, पंकज राम नरेश मिश्रा, आशीष कुमार गुप्ता सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जगह जगह पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। अध्यक्ष का निर्विरोध पद पाए हैं, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से अपनी केंद्र सरकार में मोदी सरकार और अपने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सकुशल सबका विकास सबका साथ की नीतियों को इस जनता के बीच में रखा है, उसी का नतीजा है कि आज हम जो है अधिकतर जिलों में निर्विरोध के रूप में जितने भी जिला पंचायत सदस्य जीते हैं उन्होंने सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के साथ साथ उसके योगी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत आज निश्चित रूप से निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूं और आगे भी यही कामना करता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ सभी सदस्यों ने मुझको निर्विरोध निर्वाचित किया है उसी आशा विश्वास के साथ उनके साथ मिलकर अपने जिले के विकास के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन को लेते हुए कार्य के प्रति निष्ठा रख जीत के आज आप बबेरु आए हुए तो कैसा महसूस हो रहा है? क्या निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते एक जब मंडल के महामंत्री और बबेरु किसान सहकारी समिति के अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्य का टिकट, इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट, जो देश में ऐसी तीसरी सरकार अपने पंचायत स्तर पर मानी जाती है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही एक ऐसा साहस है जो कार्यकर्ता से नेता का निर्माण करती है वही शीर्ष तक पहुंचने में कामयाब होगा। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकताएं जनता के बीच में निरंतर जिस तरह पूर्व में रहा हूँ उसी मनोयोग के साथ अपने संगठन के बूथ अध्यक्ष, अपने संगठन के वरिष्ठ साथियों के साथ, निश्चित अपने क्षेत्रीय विधायक श्रीमान चंद्रपाल कुशवाहा जी के साथ और अपने वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर बैठकर जो भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं बैठकर सब लोग एक साथ मिलकर उसी धारा को, इसी विकास की गंगा को योगी सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार के साथ, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि पूरी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी मनोयोग से काम करके 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रत्याशी आएगा वो निश्चित ही 2022 में विकास और सबका साथ और सबके विकास के दम पर